ये क्या शबनम का कतरा कह गया है, समुंदर तिल मिला कर रह गया है, पता शहरे वफा का पूछते हो। ये जिस शायर का शेर है उसकी जिम्मेदारी, पता शहरे वफा का पूछते हो, ये स्टेशन तो पीछे रह गया है। ये उस शायर को, जिस शायर का ये शेर है, अगर वो मुमरा आ जाए तो मैं उससे बताऊंगा कि ये स्टेशन पीछे नहीं रह गया, ये तो मुमरा है जहां पे वफा जिंदा है, वफा करने वाले लोग जिंदा है। आप तमाम लोगों को सलाम अर्ज करते हुए आइए गजल के उस महबूब शायर के हुजूर चलता हूँ कि कहने को कह रहा है कि तन्हाई चाहिए, कहने को कह रहा है कि तन्हाई चाहिए, लेकिन उसे तो सबसे शनासाई चाहिए। हर शख्स के लबों पे तुम्हारा ही नाम है, अब और तुमको कितनी पजीराई चाहिए। पूरी दुनिया, पूरी उर्दू दुनिया अल्ताफ किया साहब के नाम को अपनी जबान का हिस्सा बना के रखती है, उनकी आवाज को अपने दिल का हिस्सा बना के रखती है, उनकी शायरी से मोहब्बत करती है। मैं अल्ताफ जिया साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये मुमरा का मोहब्बत करने वाले लोग आपके लिए बेचैन और बेकरार बैठे, आप तशरीफ लाएं। और आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जोरदार तालियों से आज की हमारी इस गजल की महफिल के आखिरी शायर, महबूब शायर अल्ताफ जिया साहब। दोस्तों आदाब, सबसे पहले तो मैं आप सबकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं, आपकी उर्दू दोस्ती को सलाम करता हूं। जिसके हिस्से में जितने लोग आने थे वो आए और बहुत ही खुशी के साथ वो सुनकर चले भी गए, लेकिन एक शेर मुजाबिर ने कहा था कि देखने वाले सुनने वाले चले गए, शेर समझने वाले अब तक बाकी हैं। तो मैं आपकी समाज को सलाम करता हूं। वाकई दोस्तों, शेर सुनने और शायर देखने वाले बहुत आते हैं, शेर समझने वाले बहुत कम मयसर आते हैं। और यहां से अपनी बात शुरू करता हूं दोस्तों, मतलब पढ़ता हूं, देखिएगा मतलब बिलखसूस पढ़ता हूँ। देखिए पहला मतलब पढ़ता हूँ और आप सबसे दुआएं चाहता हूँ, आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ। मेरे भाई भुट्टू यहाँ बैठे हैं, भिवंडी से तशरीफ लाए हैं, अरशद भाई तशरीफ फरमा है, आप सबकी दुआएं चाहता है ये आपका छोटा भाई। और यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं, वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं। पहले ही दफा में सुन लिया करें शायर, इसलिए पहला मिसरा दो दफे कहता है कि कुछ लोग कम सुनाई देता है जिनको वो भी बैठे होते हैं। तो मैं मिसरा पढ़ता हूं कि आप सबसे बहुत तवज्जो चाहता है मेरा ये मिसरा, लिहाजा फरमाएं। वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। बहुत शुक्रिया। वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं, वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। जब माइक पर शायर आता है तो वो नाजिम मुशायरा की तारीफ किए बगैर नहीं जाता। वाकई मेरे बेटे ने, मेरे भतीजे ने बहुत ही मेहनत की है तब यहाँ पहुँचा है, और अल्लाह इसे और तरक्की अता करेगा, अल्लाह इसे और कामयाबी अता करेगा। इरशाद अंजुम के लिए आप सबकी जानिब से, अब्दुल करीम खान साहब की जानिब से, जफर मोहम्मदी साहब की जानिब से, मुजमा साहब की जानिब से ये तोहफा पेश करना चाहता हूँ। मैं वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। मैं आईना हूँ न चेहरा हूँ और न मंजर हूँ, मैं आईना हूँ न चेहरा हूँ और न मंजर हूँ, मैं आईना हूँ न चेहरा हूँ और न मंजर हूँ, है मुझमें क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। मैं आईना, सोहेल भाई बहुत शुक्रिया, मैं आईना हूँ न चेहरा हूँ और न मंजर हूँ, मैं आईना हूँ न चेहरा हूँ और न मंजर हूँ, है मुझमें क्या जो जमाने पलट के देखते हैं, है मुझमें क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं लेकिन, तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं लेकिन, तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। क्या बात है,
तमाशा का हमें शामिल तो हम भी हैं लेकिन तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ, अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ, चलो कि अब जरा खुद से भी कट के देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, कितना अच्छा सुन रहे हैं। आपको अल्लाह सलामत रखे। लेकिन मैंने ये गजल इसलिए छेड़ी है कि इसमें एक शेर आपको सुनाना है, और वो शेर ऐसा है जो कसम खा के आया होगा यहाँ कि मीर आ जाए, गालिब आ जाए, इकबाल आ जाए तो मुझे मुंह नहीं खोलना, हाथ नहीं खोलना, तो वो भी मुंह खोलेगा, हाथ खोलेगा। पेश करता हूँ मुलाजम करीम भाई, देखिएगा। वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके, अब सिमट के देखते हैं। मैं आईना हूँ, न चेहरा हूँ और न मंजर हूँ, है मुझमें क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। तमाशा का हमें शामिल तो हम भी हैं लेकिन तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ, चलो कि अब जरा खुद से भी कट के देखते हैं। मुमरा वालों, खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया, खटक रहा कोई बंदा खामोश न रहा। तमाशा का हमें शामिल तो हम भी हैं लेकिन तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखें। बहुत शुक्रिया भाई, जिंदाबाद हमारे अब्दुल करीम खान साहब, मोहब्बतें लेकर पहुंच रहे अल्ताफ जिया साहब तक। वाह वाह वाह, तमाशा शामिल तो हम भी हैं लेकिन तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, कभी चिराग कभी महताब देखते हैं। अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, कभी चिराग कभी महताब देखते हैं। अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा, उन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा। ये हर जगह जो हमें कामयाब देखते हैं, इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा। इन्हें भाई हमारे हसमत खान साहब नवाजता है खुदा, इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा। ये हर जगह जो हमें कामयाब देखते हैं, हम अपने आप से रहते हैं बेखबर लेकिन, हम अपने आप से रहते हैं बेखबर लेकिन, रिश्ते रोज हिसाबो किताब देखते हैं। हाय हाय, आपसे रहते हैं बेखबर लेकिन, फरिश्ते रोज हिसाबो किताब देखते हैं, फरिश्ते रोज हिसाबो किताब देखते हैं। बुट्टू भाई, अच्छत भाई, फरिश्ते किताब देखते हैं। जफर भाई देखिएगा, हम अपने आप से रहते हैं बेखबर लेकिन फरिश्ते रोज हिसाबो किताब देखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में जो अपना छोड़ के सबका हिसाब दे। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, ओए वाह 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 सिराज भाई, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं, जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। अच्छा मतलब है, वाह वाह। बस ये तीन चार शेर के बाद तरन्नुम में एक छोटी सी गजल सुनाऊंगा मैं, इसका भी एक शेर आप तक पहुँचाना है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ी तमन्ना थी कि मुंबई जिस वक्त आऊंगा वो आप जैसे जियालों के दरमियान में शेर में पढ़ के जाऊंगा और दुआएं हासिल करूंगा। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। वाह वाह वाह, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। मोहब्बत करने वालों की नज़्म, मेरा ये शेर।
किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। मेरा भाई सोहेल आजाद, मुजाविर असद बस्तवी, अरशद भाई, इरशाद अंजुम बैठे हैं, मेरे बड़े भाई अब्दुल करीम बैठे हैं, उरूसा बैठे हैं, मैं सबको शरीक करता हूं दोस्तों। और ये जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये शेर वो नहीं है जिसके बारे में मैंने कहा कि आप जियालों को सुनाना। एक ऐसा शेर है, सी बारीकी है इस शेर में कि शोरा हजरात अगर शरीक हो जाएं तो आपको भी लगेगा कि इस शेर में कोई ना कोई ऐसी बात है जो शायर शरीक हो गए। पेश करता हूँ इरशाद अंजुम साहब। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिल की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। कौन दिल साफ करे, कौन दिल साफ करे। तमाम लोगों ने मुझे नवाज दिया तो मैं समझूंगा कि मेरी ये मेहनत वसूल होगी। कौन दिल साफ करे, कौन दिल साफ करे। दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। क्या अच्छा, कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। मुंबई मुमरा वालों, झूठ को मस्तदे शाही पे बिठाया गया है। झूठ को मस्तदे शाही पे बिठाया गया है और सच्चाई हवालात में रखी गई है। भाई एक मरतबा जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतने देखिए पूरा मुशायरा जो है ये मुमरा के मोहब्बत करने वाले लोगों ने अल्ताफ जिया साहब पूरा मुशायरा आपका इंतजार किया है, तो इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे आपको। अभी तो आपने तरन्नुम से पढ़ा भी नहीं है, जिस वजह से हम आपसे मोहब्बत करते हैं। एक मरतबा जोरदार तालियों से आप इजाजत दीजिए कि तरन्नुम से पढ़े भाई। मैं देखिए दोस्तों, इस मुशायरे के जो रूह रवा हैं, जो कन्वीनर हैं, जो सरपरस्त हैं, हशमत साहब, उनकी फरमाइश है कि मैं तरन्नुम से पढ़ूं, तो मैं एक छोटी सी गजल आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दिलवालों दिलदारों की इस बस्ती में एक ऐसा मतलब पढ़ने जा रहा हूं जिसने कभी किसी से इश्क न किया हो वो भी इश्क करने लग जाएगा। क्या बात। और जिसने इश्क नहीं किया है या जो करना नहीं चाहता उसका तो जी नहीं हराम है, उसको कहीं भी कुएं बावड़ी में जाकर खुदकुशी कर ले। इश्क है तो जिंदगी है, वरना वो मुर्दा है। पेश कर, सुने देखिएगा भाई, आप लोग भी सुनिएगा। एक बात मैं बता दूं, इन तीनों को घर से शायद कॉल आ रही है। एक मरतबा जोरदार तालियां होनी चाहिए। अल्ताफ जी साहब को सुनने के चक्कर में वो अभी घर जाने के बाद हो सकता है उनको हसीबत उठा दी। सबसे बड़ी कुर्बानी इन्हीं तीनों की है, सबसे बड़ी कुर्बानी। अल्लाह इन्हें सलामत रखे घर जाने के बाद। सुनेगा मतलब उसकी आँखों बड़ा मजा आ जाएगा। मतलब सुन के बताइए, बड़ी खूबसूरत गजल का मतलब छेड़ा अल्ताफ जी साहब। क्या बात। उसकी आँखों में उतर जाने को है। ये तो अभी आधा मिसरा हुआ मेरे जान, ये पूरा होगा तो क्या हश्र होगा। क्या बात है, क्या बात है। वो बड़ा मजा आएगा, पूरे पूरा होगा तो क्या होगा, मजा आ जाएगा। क्या बात है। उसकी आंखों को जी जाता है
जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जाने को जी चाहता जिंदगी देख चाहता। मजा आ रहा है मजा। बहुत शुक्रिया। जी चाहता है वो ना रास्ता है। अब बात है वो ना रास्ता है वो ना रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान। हाय 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 वो ना रास्ता मंजिल का निशान फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को चाहता है। फिर भी क्यों भाई जिंदाबाद हमारे अब्दुल करीम खान साहब की मोहब्बतें आप तक पहुंच रहे। माशाल्लाह वाह वाह वाह। वो न रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान। देखिए अब मैं गुजारिश कर दूं कि अब्दुल करीम साहब की मोहब्बतें भी मुझे मिल गई, इन साहब की भी मोहब्बतें मिल गई हार की शक्ल में। अब मैं चाहूंगा कि मुझे पढ़ने दिया जाए। ये जो है मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। जी चाहता ये शेर अच्छा था जो मैंने पढ़ा। बहुत खूबसूरत। एक मर्तबा पूरा मजमा तालियां बजा दिया। जी चाहता है मंजिल का निशान फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता मेरी मंजिल है यही मेरा ठिकाना है। मेरी मंजिल है यही मेरा सजाया है यही। जी चाहता है मेरी मंजिल है यही मेरा ठिकाना यही मेरी मंजिल यही मेरा ठिकाना है यही। तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है। तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है जी चाहता। मैंने ये कहा कि अब मुझे देखना ये है कि इसमें बुजदिल कम हौसला लोग कितने बैठे। मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा एक भी शख्स यहाँ बैठा होगा। एक शेर पढ़ता हूँ शरीक करता हूँ अपने भाई सोहेल आजाद को शाद अंजुम को मुरादी को असद बस्तवी साहब को रूसा को पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाए सिराज तालिब साहब बैठे हैं उनकी भी दुआएं चाहता हूँ। जी चाहता दीवार हो कोई दीवार हो कोई दीवार
हजार हो दीवार नहीं बन सकती, कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती, कोई दीवार कोई दीवार कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकते जब हवाओं का गुजर जाने को चाहता है जब हवा अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जाने को कोई दीवार कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकते जब हवाओं का गुजर जाने को वाह 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 जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है इश्क दरिया है इश्क दरिया इश्क दरिया है और इस दरिया में अक्सर मेरा इश्क लफरबा है और इस दरिया में अक्सर इश्क दरिया इश्क दरिया इश्क दरिया है और इस दरिया में अक्सर मेरा डूब जाने को उभर जाने को जी चाहता डूब जाने को उबर जाने को जी चाहता है जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है कोई शहर जो मुझे खींचती रहती है जिया कोई शय है जो मुझे खींचती रहती है जिया नहीं आ रही है बहुत बेचैन कोई शय है जो मुझे खींचती रहता है जी चाहता है कोई शय कोई शय जो मुझे मिसरा लग जाए कोई बंदा खामोश न रहे मैं पेश करता हूं मैं आप सब भी कोई शय कोई शय जो मुझे खींचती रहती शाम होती है तो घर जाने हाय 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 रे बाबा शाम होती है तो घर जाने जिनके चेहरे की चमक भी कह रही है कि मैं वो गजल पढ़ूं जिसकी जवान नौजवान फरमाइश कर इजाजत है जरा सा तालियां बजाकर तालियां बजाकर जोरदार तालियों से इजाजत दी कफस में हूँ जी मैं देखिए दोस्तों ये गजल जो मैं आपने फरमाइश की है इसको पता है कितने लोगों ने सुना है आपकी मोहब्बतों के हवाले से बात कम से कम 55 लाख लोगों ने सुना है इस ये सब आपकी मोहब्बतें हैं दुआएं हैं उसमें आप शामिल हैं और उसके बाद भी अगर आप उस गजल की फरमाइश करें तो ये जरा नवाजी है ये जिया नवाजी है आपकी
मैं ये एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगा। पेश करता हूँ मतलब मुलाजा फरमाए, और ये मैं गजल पढ़ता जाऊंगा और आप उस जमाने को याद करना जब महामारी थी हिंदुस्तान में, कोरोना और लॉकडाउन से जूझ रहे थे लोग, उस वक्त का एक एक मंजर आप याद करेंगे मतले से मकते तक। पेश करता हूँ, देखिएगा अर्शी साहब। कफस में हूँ, और इस गजल को मैं पढ़ता नहीं हूँ, मुझसे पढ़वाया जाता है, इसलिए कि ये गजल जो है ये खून मांगती है, पढ़ने में भी लिखने में तो मांगती ही है गजल खून, लेकिन पढ़ने के लिए भी इसके लिए खून की जरूरत है, और वो खून आपकी दाद के जरिए मुझ तक पहुंचेगा और मैं सलीके से इस गजल को पढ़ सकूंगा। तालियां बजा के आप बताएंगे मुझे। कफस में हूँ, कफस में हूँ, कफस में हूँ, मुझे आजादियाँ आवाज देती है। कफस में हूँ, मुझे सलामत आवाज देती है। कफस में हूँ, मुझे आवाज देती है। कफस में हूँ, मुझे कफस में हूँ, मुझे आजादियाँ आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइया आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइया आवाज देती है। कफस में हूँ, मुझे आजादियाँ आवाज देती है। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं, तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं, तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं, तुम्हारी याद से तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। चले आओ मेरी तन्हाइयां आवाज देती हैं, चले आओ मेरी तन्हाइयां आवाज देती हैं, चले आओ मेरी तन्हा आवाज देती है। आवाज देती है हवा, हवा हवा खुशबू से खादी है फिजा में, एक घुटन सी है हवा शरीकों से खाली है। हवा खुशबू से खाली है फिजा में, एक घुटन सी है। हवा खुशबू से खाली हवा खुशबू से खाली है फिजा में, एक घुटन सी है। कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज देती हैं, कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज देती हैं। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती हैं, आवाज देती हैं।
न जाने न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं। सुने दोस्तों, अगर सच कह रहा हूं तो मेरे सच में आप भी शामिल हो जाएं। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे, न जाने किस घड़ी न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे, नजार मोड़ पर रुसवाइयां आवाज देती हैं। आपका शेर आपके हवाले हो रहा है, हिफाजत कीजिएगा मेरे शेर। ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता, ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता, ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। देखना है कौन खामोश रहता है। ज्यादा देर मैं ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है। ज्यादा देर में परदेश में अब रुक नहीं सकता, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है, आवाज देती देती है, आवाज देती है। बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब, बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ। अगर हो सके तो पूरा मजमा शरीक हो जाए मेरे शेर में, पूरा पूरा मजमा। बहुत ऊंची बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती हैं, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती हैं। ये शेर एक मर्तबा और ऐसे ही सुन के बताए। बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती हैं, आवाज देती हैं। कफस में हूँ मुझे आजादियां आवाज देती हैं।